यो प्रवण फैमिली, तो फिर से आ चुके हैं हम एक और बार बेन 10 की गेम के अंदर, जहां हमने पिछली बार मारा था केविन 11 को, और उसके अंदर छोटा सा कीड़ा आया था ना, तो भाई उसने कर दिया शहर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जो ये पीछे देख रहे हो ना, ये जा रही है, ये उसी का ही कोई हिस्सा है। अब ये तो मैं बता नहीं सकता कोई अच्छे तरीके से कि कौन सा हिस्सा है। या मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा अपने चैनल पे, तो भाई अब बने रहना यार चैनल पे, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तब तक मैं निपटता हूँ इनसे। तो भाई ये तो मेरे को नया प्राणी लग रहा है। अरे जल्दी कुछ बन। और ले तो भाई, तुम्हारे भाई ने सबको निपटा दिया, अब आगे चलते हैं यार, देखते हैं आगे क्या है। तो भाई ये क्या भाई, बीच में खाई थी और उसका कोई हिस्सा है जिसके ऊपर से हम चल के जा रहे हैं। तो भाई एक ही बार में पार हो गया पूरा अच्छी तरीके से। अरे मैं नीचे चले गया था भाई, भी मुझे लगा रास्ता है। तो ये कौन से कांटों वाली दुनिया है भाई। तो भाई फोर आर्म्स तो भाई मेरा फेवरेट बन चुका है भाई, सच्ची बता रहा हूँ कि भाई ये क्या खतरनाक मारता है यार। और कहाँ गया भाई हमारे मोटा भाई, इसका नाम भाई कैनन बोल्ड है, पर हमने प्यार से नाम इसका मोटा भाई रखा है। तो ऊपर नहीं उछलना था हमें, यहाँ से आगे जाना था भाई। बच गए क्या बचे यार अभी खतरनाक तरीके से। मैं बाहर यहाँ पे रास्ता देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है यार। और ये क्या है भाई पीला पीला, ये भाई चल के देखे क्या हो रहा है इसमें। और ये तो डैमेज मार रहा है वो, तो उसने भाई ये यहाँ पे झरना था, तो जो छोटा सा कीड़ा आता है ना, उसने पानी पूरा खराब कर दिया है। और ये भाई ये तो आते रहेंगे भाई पिटने। और ये कौन आ गया भाई यार, ये तो गया। और मोटा भाई ने एक ही उसको एक ही शॉट में निपटा दिया। मुझे लग रहा था कोई खतरनाक ही होगा भाई, मारेगा खतरनाक। तो भाई अभी तो मैं बहुत आगे आ चुका हूँ यार, तो यहाँ पे एक पार्कोरिंग आई है। अरे यार मैं तो ऐसे ही डूब गया, मैं तो बहुत कमजोर हूँ पार्कोरिंग में लगता है। पर भाई एक बार ही गिरा हूँ तो बार बार थोड़ी गिरूंगा। और ये मशरूम थोड़े गायब भी हो रहे थे ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी। ओ भाई ये क्या आ गया, अब यहाँ से पार कैसे कर। अच्छा सब मेरे को पता है, इसको एक साथ सबको वो करना है। अरे खुल गया, ये पता इससे नहीं होगा, ये करेगा एक्सेलरेट। जल्दी इसको आप देखना सर, चारों के चारों एक ही साथ भाई, बड़ी आसानी से कर लेता भाई एक्सेलरेट ये सारे काम यार। अब यहाँ से उछल के हमें इतनी दूर जाना है भाई, वो देखना कहाँ जाना है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो भाई अभी पता सबको हमने निपटा दिया है बड़ी प्यार से। अबे तो ये खाएंगे गए भाई। तो भाई ये भाई सिटी का क्या हाल हो गया भाई सिटी का ये। तो भाई वो इतने छोटे से क्रीचर ने सिटी का पूरा हाल बेहाल कर दिया भाई। तो अभी इनकी बातें सुनते हैं। ओ भाई अब ये तो इतना बड़ा हो गया भाई, ये गलत है भाई। और इससे भाई लड़ेगा कौन, इससे भाई तो बहुत जाइंट हो चुका है, पर हमने बहुत जाइंट ऐसे भरा रखा है। तो जल्दी जल्दी ये लेते हैं भाई, ये तो इतना छोटा सा, मैं सोचता इतना छोटा सा पूरे सिटी में कैसे कर रहा है भाई, ये बहुत बड़ा हो चुका है तभी तो इस पूरे सिटी को वो कर रहा है। तो अभी हमें क्या करना है ना, इसके जो ये हार्ट है ना, जैसे मैं फोड़ नहीं पा रहा कब से, एक फूटा है वो फोड़ने हैं। तो ऐसे करते करते ये सारे फोड़ते रहेंगे और ये मरते रहेगा। और ये भाई एक के बारे में डैमेज कितना कर रहा है भाई, इसके लिए निशाना पक्का होना चाहिए, यहीं से फूट जाएगा। चलो भाई, तो भाई इसे भी जल्दी से निपटा दे, क्योंकि हमने इससे भाई इसके ऐसे बहुत देखे हैं यार, इसके ऐसे बहुत एलियन आए हैं, इससे भी जाइंट जाइंट आए हैं। हम उन्हें हमने उन्हें निपटा दिए, ये तो बच्चा ही होंगे हमने। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको विलगैक्स ने भेजा है भाई,
इसको विलगक्स ने भेजा है, ये नल वर्ल्ड से आया क्रीचर है। अबे ये क्या मार रहा है भाई यार ये। और बैन तो भाई कुछ दिख ही नहीं रहा उसके सामने। अरे तो भाई तुम्हारे भाई ने इसे पूरा निपटा दिया अच्छे तरीके से, और ये बस लास्ट मूव और ये पूरा फिनिश। तो भाई देखो तुम्हारा भाई किसको कैसे मारता है, इसे तो बहुत ही गंदा मारूंगा। इसने भाई बहुत हेल्थ डाउन करी हमारी। तो लो भाई ये तो भाई बहुत गंदा मारा भाई, इसको तो पूरा मुंह फाड़ दिया। सबसे गंदा मारा भाई इसको हमने। तो अभी मौसम चेक करो तो भाई मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है, और हमारा एक नया एलियन अनलॉक भी हो चुका है। ओ भाई, और भाई इसका नाम क्या है? इसको शायद से मैंने कभी देखा नहीं यार। Of course. That plant monster must have been charged up by Wildvine's DNA. This can't all be a coincidence. Why are all of our bad memories suddenly coming? इसका नाम शायद से वाइल्ड वाम है। Unfortunately. पता नहीं यार, मुझे पता नहीं सही से। Points to one individual. ये ऊपर क्यों देख रहे हैं सबके सब? ओ ये तो विलगैक्स की शिप है। तो शायद से विलगैक्स के एंट्री हो चुकी है। तो हो भाई ये मेरा फेवरेट था, ये भी मेरा फेवरेट है यार। विलन भी फेवरेट होने चाहिए। विलन तगड़ा हो तभी हीरो भी तगड़ा दिखता भाई। तो ये भी इन पे गुस्सा कर रहा है कि बेन इतना कुछ कर कैसे रहा है, उसे क्रिस्टल मिले पे मिले जा रहे हैं, ये उस चीज से गुस्सा कर रहा है थोड़ा। और एक घोस्ट फ्रीक से मिला हुआ है भाई, वो घोस्ट फ्रीक है भाई, वो जिसको पता नहीं मैं बता दूं, वो जो एलियन है ना बैंटन का सबसे खतरनाक एलियन है, और इसके पास एक बैंटन क्रिस्टल भी है। तो भाई यार ये पूरे मस्ती में है भाई, इन्हें पता नहीं इनके साथ क्या होने वाला है अभी आगे, पर हमें थोड़ा क्लू मिल चुका है। जो अभी हमने देखा था एलियन जिसका नाम है, उसका नाम था घोस्ट फ्रीक, जो कि मिल चुका है भाई। वो एक बैंटन का एलियन ही है जो बैंटन की वॉच से बाहर निकल गया। वो पहला एलियन था जो बैंटन की वॉच से बाहर निकल गया। तो बैंटन की वॉच से बाहर निकल के विलगैक्स से मिल चुका है भाई। और भाई ये बहुत खतरनाक हो चुके हैं दोनों के दोनों। और जो ये नया एलियन मिला है ना हमें, इसका नाम तो मेरे को पता नहीं, पर ये बहुत तगड़ा मार रहा है हर जगह मार रहा है। तो भाई पूरे हाथ लंबा करके चारों तरफ। ये तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं ऐसी मस्त वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।